अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अबीहा क्रिएशंस। बारिश का मौसम हो और इस तरह की चटपटी चीज़ें बनाई जाएँ तो बहुत मज़े की लगती हैं, और ईद भी साथ साथ चल रही है। तो आज मेरी किचन में बन रहे हैं सीख कबाब, और वो भी बग़ैर सीखों के। जी हाँ, बग़ैर सीखों के, और तवे पर बनाएंगे हम, और बहुत मज़ेदार बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, तो चले हम इसको शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टीस्पून साबुत धनिया ले लिया और एक टीस्पून ज़ीरा, और इन दोनों को मिलाकर मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। तो मेरे पास बाउल में ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा रखा है, और ये है मेरे पास कीमा, डबल मशीन का निकला हुआ बारीक कीमा। और ये जो आप इसके गोल गोल इस तरह से पेड़े देख रहे हैं, वो इस वजह से कि मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से हाथ में दबा दबा कर निचोड़ा है, और इसका सारा पानी निकाल लेना है, स्क्वीज़ कर लेना है, और इस तरह से ये बिल्कुल ड्राई कीमा हमारे पास होना चाहिए, तभी हमारे ये सीख कबाब अच्छे बनेंगे और टूटेंगे नहीं। तो ये हो गया धनिया और ज़ीरा, और इसको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। और अब ये है जी मेरे पास प्याज, और एक प्याज को मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है बारीक, और इसको भी हाथ से बहुत अच्छे से निचोड़ लेना है, इसका पानी बिल्कुल निकाल देना है। और यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च को पिलाकर पीस लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून टिक्का मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और 1/2 टीस्पून नमक लिया है, और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, और आप बेसन या मैदा ले सकते हैं, मैंने बेसन लिया है। तो अब हम इसकी मिक्सिंग शुरू करते हैं, और प्याज़ों को बिल्कुल ड्राई कर लेना है, उनका पानी निकाल देना है, और इसके अंदर हमने डाल दिया, और ये जो हमारे पास कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा है ये भी डाल दिया। इसके बाद ये सारे स्पाइसेस, ये हरी मिर्च, अदरक लहसुन, नमक, मिर्च, टिक्का मसाला और गरम मसाला इसमें हम डाल देंगे, और फिर इसके बाद इसमें जाएगा बेसन, और बेसन मेरे पास है 3 टेबलस्पून, ये मैंने डाल दिया है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून घी। जी हाँ, हम इसमें घी डालेंगे, इसकी बाइंडिंग के लिए घी और बेसन दोनों हमारे काम आएंगे, इससे हमारे जो सीख कबाब हैं वो सॉफ्ट बनेंगे और टूटेंगे नहीं। तो 1 टेबलस्पून घी चला गया, और अब आप इसको हल्के हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लें, और ताकि सारे स्पाइसेस कीमे के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। और मिक्स करने के बाद हम इसको 20-25 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेशन के लिए। आप चाहें तो फ्रिज में रख दें और इसको मैरिनेट कर लें, ताकि इसका जायका और भी अच्छा आ जाए। तो इसको इस तरह से मैरिनेट करने के बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद मैं इसको एक साइड पर रख दूँगी ढककर, और इसके बाद फिर इसकी बहुत अच्छे से हम कबाब बनाएंगे, और इंशाल्लाह कबाब बहुत अच्छे बनेंगे, टूटेंगे नहीं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अच्छा जी, हो गया यहाँ पे मैरिनेशन हमारा ये बैटर, और अब हम इसके सीख कबाब शुरू करते हैं। तो मैं जो सीख कबाब बना रही हूँ वो इस तरीके से बनाऊँगी। जी हाँ, मेरे पास स्पून है इस तरह की, जिसकी स्टिक हो थोड़ी सी पतली सी या गोल वाली स्टिक हो आपके पास, तो उसको आप ले लें। अगर आपके पास सीखे नहीं हैं और झंझट है कि कौन ले के आए, अवेलेबल नहीं है, और सीख कबाब खाने हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि सीख कबाब बन नहीं सकते, इस तरह से देखें। लेकिन इसको बहुत अच्छे से आपने बाइंडिंग करनी है, हाथों से मुट्ठी से दबा दबा कर इसके ऊपर आपने इसको, इसकी सीख कबाब की शेप देनी है। ये देखें कितने अच्छे से मैंने इसको शेप दे ली है, और अब बहुत आराम से मैं इसके अंदर से इस तरह से स्पून निकाल लूँगी, तो इसके अंदर एक होल हो जाएगा, और इसको पकने में आसानी होगी, वो अंदर से कच्चा भी नहीं रहेगा, और प्रॉपर सीख कबाब की शेप आएगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इस तरह से देखें, मैंने इस तरह से एक सीख कबाब के लिए इतना बैटर लिया है, जितना सीख कबाब के लिए हमने उसको लंबाई में शेप देनी है, तो उतना ही रखेंगे, बहुत मोटा भी नहीं बनाएंगे और बहुत पतला सा भी नहीं होना चाहिए। ये देखें, अब देखें ये कितने अच्छे से जुड़ रहा है और टूट नहीं रहा है, बस इसको मुट्ठी से हल्का हल्का दबा कर आपने इसकी शेप दे देनी है सीख कबाब की। और इसके लिए बाइंडिंग के लिए जो हमने इसके अंदर बेसन और घी डाला है, तो ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे। बस इसको इस तरह से प्रेस करने के बाद, और ये देखिए ऊपर तक इसका होल कर लिया हमने, और इसको हल्के हाथ से स्पून को यहाँ से स्लिप करके बाहर निकाल देना है। तो इस तरह से सारे सीख कबाब मैं रेडी कर लेती हूँ, और फिर हम उसके बाद इसको फ्राई कर लेते हैं, और फ्राई हम करेंगे तवे पर। जी हाँ, तवे पर फ्राई करेंगे, और ये बहुत मज़े के बन जाएंगे। और अगर आप इसको बारबेक्यू टच देना चाहते हैं, तो आप इसको कोयले का एक टुकड़ा लेकर उसको दहका कर, अगर आप इसमें रख कर
उस पर चंद उसके ऑयल के कतरे टपका दें तो कीमे के अंदर हल्का सा धुएं का टेस्ट आ जाएगा, तो आपकी ये बारबेक्यू बन जाएंगे। और ये देखें, ये इस तरह से मैंने सारे रेडी कर लिए हैं और मेरे सीख कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इनकी शेप बन चुकी है। और अब तवे पर डालते हैं ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म कर लेते हैं। ये जीत ऑयल चला गया और ऑयल को थोड़ा सा आपने गर्म कर लिया और आराम से एक एक करके हम सीख कबाब इसके ऊपर रखते जाएंगे। और ये गर्म हो चुका है और अब मैं यहाँ पर शुरू करती हूँ सीख कबाब इसके ऊपर रखना इस तरह से, ठीक है। सेंटर में मैंने ऑयल डाला है और उसमें तकरीबन 4 कबाब आ जाएंगे मेरे, तो एक दफ़ा में मैं 4 बना लूँगी। और इनको थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे, इनको फ़ौरन से हमने पलटना नहीं है वरना ये टूट जाएंगे, ताकि ये थोड़ी सी अपनी शक्ल मेंटेन कर लें। और इस तरह से मैंने 4 रख दिए हैं, हल्का सा मैं इसकी जगह बना के इस तरह से सेट कर दूँगी। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको बहुत तेज़ आँच पर नहीं पकाएंगे, हमने इसको मीडियम लो आँच पर पकाना है, फ्लेम पर पकाना है, ताकि ये गोश्त अंदर तक पक जाए, क्योंकि ये कच्चा है तो ये अंदर तक पक जाए और बिल्कुल प्रॉपर पका हुआ हमारा कबाब हो। अब एक साइड से पक चुके हैं और मैंने इनको टर्न कर दिया है और अब मैं इसको दूसरी साइड से पकाऊंगी। इसी तरह जो इसकी साइडें हैं उस साइडों से भी हम इसको पलटकर इसको ब्राउन करेंगे और हल्की आंच पर पकाएंगे, मीडियम आंच पर। तो ये आपके बहुत मज़े की सीख कबाब रेडी हो जाएंगे। और ये तकरीबन हो चुकी हैं, हल्का सा यहाँ से ये कच्चा है तो मैं इसको अच्छी तरह से पलट दूँगी और बहुत मज़े के बनेंगे। बहुत मज़े की चटनी बनाइए, हरे धनिए की, पुदीने की, और सलाद बनाइए, परफेक्ट कीजिए। बारिश को एंजॉय कीजिए और अपने मेहमानों को खिलाइए, खुद भी खाइए, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। और बग़ैर बारबेक्यू का प्रोसेस किए हमने तवे पर ही मज़ेदार ज़बरदस्त सीख कबाब रेडी कर लिए हैं। और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और मैंने ये सेकंड बैच डाल दिया है, तो ये मेरे सीख कबाब रेडी हो गए हैं, चटनी तैयार है, सलाद बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही अंदर तक पक चुके हैं और टेस्ट लाजवाब है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।